हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ IPSC नेमिंग करने वाले एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट हम एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ कॉमन बात होती है वो समझ लेते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसलिए मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन को साथ में लिख के रखा हुआ है। सो इसमें एक बात कॉमन होती है, दैट इज़ कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज़ C डबल बॉन्ड O डैश डैश, तो ये इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, कॉमन होता है। सो अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, सो एल्डिहाइड में उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे आता है, जैसे C डबल बॉन्ड O एंड एक साइड में क्या अटैच रहता है, हाइड्रोजन अटैच रहेगा इन केस ऑफ एल्डिहाइड, और एक साइड क्या रहेगा, वो कार्बन चेन से अटैच रहेगा। सो इसे हम बोलेंगे डैट इज़ एल्डिहाइड। कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा और उसके दोनों साइड क्या रहेगा, दोनों साइड कार्बन की चेन रहेगी। सो इस वे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है क्या है, ये दोनों में क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में सेम है बस। बट हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इन एल्डिहाइड में जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच रहता है, एंड कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड पे क्या रहता है, कार्बन की चेन रहती है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, देन जाएंगे हम कीटोन देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है क्या रहता है, डैट इज़ CHO, या हम इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, डैट इज़ C डबल बॉन्ड O एंड H। सो एल्डिहाइड में जब हम IPSC नेमिंग करते हैं तो जो सफिक्स ऐड होता है, जो हम सफिक्स लगाते हैं नेमिंग करते वक्त, क्या लगाएंगे, डैट इज़ अल, AL। सो हम एग्जांपल लेके समझते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल डैट इज़ CH3CHO। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज़ द एल्डिहाइड ग्रुप। सो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, उसमें जो कार्बन होती है उसकी भी काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, डैट इज़ 1, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, डैट इज़ इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N। यहाँ पे पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स ऐड होता है, डैट इज़ अल, तो यहाँ पे आ जाएगा N। ये क्या हो गया, इथेनल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, डैट इज़ CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। सो दिस इज़ द स्ट्रेट चैन। सो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, सो फर्स्ट ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप ये कार्बन उसे भी काउंटिंग करते हैं, तो कितने कार्बन, डेट इज़ 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या डालते हैं, क्या लिखते हैं, डैट इज़ ब्यूट, देन सिंगल बॉन्ड है तो N। वॉट इज़ दिस, दिस इज़ द एल्डिहाइड, तो सफिक्स लगाएंगे हम अल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, डैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, देन CHO। सो इसमें कैसे नेमिंग होगी, सो हम यहाँ से कार्बन भी काउंटिंग होती है तो कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या लगता है, डैट इज पेंट। इसमें देखिए, हम नंबरिंग जो भी एल्डिहाइड रहता है, कीटोन रहता है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप के इधर से ही नंबरिंग करें, तो मैंने नंबरिंग इसलिए यहाँ से ली है, 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 कार्बन, 5 के लिए हम रोटर लगाते हैं पेंट, देन हियर यू कैन सी थर्ड पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डैट इज़ 3 इन, देन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, सो 1 एल्डिहाइड के लगाते हैं अल, तो ये हो गया पेंट, 3 इन 1 अल। सो फोर्थ एग्जांपल, सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है,
सो इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इसमें नंबरिंग तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 इतने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उसकी नेमिंग कैसी होगी? फर्स्ट हम सब्सटेंट को प्रायोरिटी देंगे इसमें नाम लिखते वक्त। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो नाम कैसे आ जाएगा? 3-मिथाइल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए लगाते हैं हम ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एल्डिहाइड है तो अल, क्या हो गया? 3-मिथाइल ब्यूटेनाइल। सो नेक्स्ट कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप डैट इज डैश CO डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं C(OH)-, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। सो इसमें सफिक्स हम लगाते हैं ONE, इसको वन नहीं बोलते हैं, दिस इज ओन, ONE। सो हम नेमिंग करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है CH3-CO-CH3। सो इसमें कितने कार्बन है? फर्स्ट हम देख लेते हैं, डेट इज़ 1, 2, 3, 3 कार्बन है, डेट इज़ 1, 2, 3। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है सो लगाएंगे एन। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे? ओन। क्या लगाएंगे? ONE। तो ये हो गया प्रोपेनॉन। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सो हम नंबरिंग करते हैं। सो नंबरिंग ये देखिए स्ट्रेट चेन है, तो इसमें यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये जो हमारा कीटोन ग्रुप है ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड ग्रुप पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग लोवेस्ट पोजीशन हमेशा कंसिडर करते हैं। तो लोवेस्ट पोजीशन यहाँ पे सेकंड आ रहा है, तो हम सेकंड कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 सेकेंड। सो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? 4 कार्बन है, 4 के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। बट यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है? हमारा कीटोन ग्रुप है, सो 2ONE। सेकंड पोजीशन पे क्या है? कीटोन ग्रुप है, तो सेकंड पोजीशन मेंशन करेंगे एंड सफिक्स लगाएंगे ON। थर्ड एग्जांपल इज ईयर, गिवन ईयर डैट इज, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, तो हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 के लिए लगाते हैं पेंट। बट यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे ई। फर्स्ट पोजीशन मेंशन करना है तो हम कर सकते हैं, दैट इज़ 1, ईन। देन थर्ड पे क्या है? कीटोन ग्रुप है, सो 3, ONE। या तो आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं पोजीशन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेन EN 3ONE। नेक्स्ट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज डैश COOH, दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डैश CO-O-H। सो इसमें हम सफिक्स क्या लगाते हैं? डैट इज ओइक एसिड। सो एग्जांपल फर्स्ट इज CH3COOH, तो इसमें कितने कार्बन है? डैट इज इधर 1, 2, 2 कार्बन है, सो 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं इथ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सो एन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, ये हो गया इथेनोइक एसिड। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसमें यहाँ पे सब्सिट्यूएंट भी अटैच है, डेट इज मिथाइल ग्रुप। सो इसमें हम फर्स्ट स्ट्रेट लॉन्ग चेन कार्बन कार्बन सिलेक्ट कर लेंगे। सो इसमें से नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो हम प्रायोरिटी देते हैं, डेट इज फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4। इसकी नेमिंग करते वक्त फर्स्ट हम क्या मेंशन करेंगे? मिथाइल ग्रुप, उसका पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन पे है सो 3-मिथाइल। देन 4 कार्बन है सो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? डैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं, तो 1, ओइक एसिड, 3-methyl-butane-1-oic acid, दिस इज़ द IUPC nomenclature ऑफ दिस कंपाउंड। सो दिस इज द नेक्स्ट example, सो वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन।
देन नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप है. सो 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 यहाँ पे कार्बन है. सो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा सब्सटेंट अटैच है, पोजीशन थर्ड पोजीशन पे है. सो हम मेंशन करेंगे 3-methyl. देन 5 कार्बन है, सो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N. देन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1-ओइक एसिड. सेम एग्जांपल है बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, डैट इज़ यहाँ पे कार्बन चेन एक बढ़ा दी है, डैट इज़ 5 कार्बन हो गया. तो 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड. सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, डैट इज़ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.